नववर्ष 2024 सभी को मुबारक हो। इस बार 2024 पूरे देश में एक अलग तरह का 2024 होगा, क्योंकि इसी साल लोकसभा का चुनाव भी है और यूं कहें कि लोकसभा की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं और एक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अयोध्या में 22 तारीख को जब भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति है गर्भगृह में स्थापित हो जाएगी, उसके बाद जो चुनावी सरगर्मियां हैं सभी पार्टियों की और तेज हो जाएंगी। तो सभी कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग गठबंधन सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इस बीच जो बीजेपी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हम 2024 में जीतेंगे, तो वो दावा कितना सही होगा और जो दावे किए जाते हैं उस हिसाब से जो तैयारी कर रही है खासकर सत्ताधारी दल बीजेपी, उसके लिए रायबरेली लोकसभा सीट इस बार जीतना फिर लग रहा है कि उसी तरह जो हमेशा की तरह हो रहा है वही होने का अंदेशा है। क्योंकि जो अगर आज़ादी के बाद से देखा जाए, जब से लोकसभा चुनाव हुए, 3 बार को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस का ही कब्जा रायबरेली लोकसभा सीट में रहा है। 2024 से लगातार यहाँ की सांसद सोनिया गांधी हैं। हालांकि सोनिया गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करने आई, उसके बाद मात्र 2 बार आई, 5 साल धीरे धीरे बीत गए। तमाम तरह की चर्चाएं खासकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और सांसद हैं सोनिया गांधी पर लोग कर रहे हैं कि वे आती नहीं है और जो पार्टी की तरफ से बयान आता है कि वे अस्वस्थ चल रही हैं। लेकिन अब भी कांग्रेसियों को एक ये कहें कि भरोसा है कि रायबरेली की जनता गांधी परिवार को ही जो है अपना समर्थन देगी, लेकिन इस बार समीकरण बहुत ही उल्टे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के सभी जगह तमाम तरह की लाभकारी योजनाएं चलाई, हर सेक्टर में काम किया, तो वो दावा कर रहे हैं कि हम इस बार रायबरेली लोकसभा सीट हासिल लेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी कोई तैयारी नहीं चल रही है, लेकिन बीते कई महीनों से बीजेपी जिस प्रकार से घर घर जाकर अपनी योजनाओं के बारे में लोगों से संवाद कर रही है और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको दिलाने के लिए घर घर जा रही है, लोगों के तक, शहर हो, गांव हो, गली हो, सब जगह जा रही है। तो ये अब धीरे धीरे आवाजें निकल के आ रही हैं, जो एक भरम था कांग्रेस को, शायद वो भरम इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में टूट सकता है।